सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। तो इसमें पहला चैप्टर है बिंदु, रेखाएं और कोण। आज हम इनकी परिभाषाएं करेंगे, समझेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहली परिभाषा जो है वो है बिंदु की। तो इसको हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है, इसका कोई परिमाप नहीं होता है। परिमाप क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, ठीक है जी। तो बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास बिंदु, ठीक है जी। ये है बीच में बिंदु, तो मैंने ये मार्क किया है कि ये दिखाई दे, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास बिंदु। तो दूसरी परिभाषा है हमारे पास रेखा। रेखा क्या होती है? कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये हमारे पास दो बिंदु हो गए, ठीक है जी। मान लो ये ए है इसका नाम, और इसका नाम क्या है बिंदु का? बी, ठीक है जी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं, चाहे आप सीधा मिलाओ चाहे आप तिरछा मिलाओ, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेखा। तो रेखा क्या हो गई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास एक परिभाषा आती है रेखा से ही, सरल रेखा। सरल रेखा, तो सरल रेखा क्या होती है? कि दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी। जैसे हमारे पास ये एक बिंदु ए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया? बी बिंदु हो गया। तो उनके बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? सीधी दूरी। तो हम इनको बिल्कुल सीधा मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो गई? सरल रेखा, ठीक है जी। तो रेखा और सरल रेखा में क्या अंतर है? रेखा क्या होती है? कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चाहे वो सीधी हो चाहे वो त्रिशी हो, ठीक है जी। तो ये रेखा हो गई। सरल रेखा क्या होगी? सीधी रेखा, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं, ठीक है जी। आगे रेखाओं के प्रकार हैं, तो इसमें क्या है? वक्र रेखा। आगे हम क्या करेंगे? वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होती है? जो रेखा कहीं भी सीधी ना हो, ठीक है जी। जैसे वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलते हैं इसको, कि जो रेखा कहीं भी सीधी ना हो उसे हम वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे पास है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे, चाहे हम उनको जितना भी बढ़ा दें, ठीक है जी। वो रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे, ठीक है जी। ये जो दूरी है इनके बीच की, ये समान रहनी चाहिए चाहे हम इनको कितना भी लंबा कर दें, ठीक है जी। रेल की पटरी जो है इसका बेस्ट उदाहरण है कि उनके बीच की दूरी क्या होती है? बिल्कुल समान रहती है, ठीक है जी। तो समानांतर रेखाएं क्या हो गई? कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे, चाहे हम उनको जितना भी बढ़ा दें, ठीक है जी। आगे होती है असमानांतर रेखाएं। असमानांतर रेखाएं क्या हो गई? कि ऐसी रेखाएं यदि जिनके बीच की दूरी क्या होगी? समान नहीं होगी, कि यदि हम उनको एक तरफ बढ़ाएं तो वो आपस में आगे जाके मिल जाएंगी, और दूसरी तरफ बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ दी जाएगी, ठीक है जी। तो असमानांतर रेखाएं क्या होगी? कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान नहीं होती है, अर्थात यदि हम उनको एक तरफ बढ़ाएं तो वो आपस में मिल जाएंगी, और दूसरी तरफ बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती जाएगी। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम? असमानांतर रेखाएं, ठीक है जी। आगे हम करते हैं जो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है उसमें प्रयोग होने वाली रेखाएं क्या होती हैं। तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में तीन तरह की रेखाएं प्रयोग होती हैं,
पहली क्या होती है? बारीक रेखा, बारीक रेखा, जो रेखा प्रश्न में दी हो। जैसे हमारे पास प्रश्न होता है कि ए बी रेखा खींचो और उस पर बिंदु ए पर क्या करना है, हमने 90 डिग्री कोण बनाया, तो ए बी रेखा में क्या है, दी हुई है। ठीक है जी, बारीक रेखा होती है, हल्की रेखा होती है, तो जी हमें प्रश्न में दी होती है। ठीक है जी, इसको हम बारीक रेखा बोलते हैं कि जो रेखा हमें प्रश्न में दी हो उसे बारीक रेखा कहते हैं, हल्की रेखा से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है जी, आगे होती है बिंदुदार रेखा। बिंदुदार रेखा ये क्या रेखा होती है? परिभाषा हम बोलेंगे कि जो जिस रेखा का हम रचना के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है जी, उसे हम बिंदुदार रेखा कहते हैं। ठीक है जी, जैसे हमें ये करना है कि एक ये ए बी रेखा है, इस पर हमें करना है बिंदु ए पर 90 का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आगे बिंदुदार रेखाओं से ही इसकी रचना करेंगे। ठीक है जी, जैसे ये हमारे पास जो भी रेखाएं रचना में प्रयोग होंगी, क्रिया में प्रयोग होंगी, उसे हम बिंदुदार रेखाएं, ठीक है जी, कहेंगे। जो रेखाएं रचना क्रिया में प्रयोग हो उन्हें बिंदुदार रेखाएं कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो हमारे पास बिंदुदार रेखा। और तीसरी और अंतिम रेखा क्या होगी हमारे पास? मोटी रेखा। मोटी रेखा, मोटी रेखा की जो रेखा उत्तर में प्रयोग की थी, जहां हम जिस रेखा को उत्तर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम मोटी रेखा। जैसे हमने ये 90 कोण बनाया था, हमारे पास पहले बारीक रेखा दी हुई थी जो हमें प्रश्न में दी होती है, उसके बाद हमने रचना की, ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसके हम डार्क, ये सब रेखाओं से मोटी भी होगी और गहरी भी होगी, डार्क होगी। ठीक है जी, तो ये तीन रेखाएं की रेखाएं, तीन तरह की रेखाएं हम प्रयोग करते हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में। पहली क्या? बारीक रेखा, जो हमें प्रश्न में दी होती है। दूसरी होती है बिंदुदार रेखा, जो हम रचना के लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरी क्या होगी अंतिम? मोटी रेखा, जो कि हम उत्तर में प्रकट करते हैं, तो जिस रेखा से हम उत्तर को प्रकट करते हैं उस रेखा को मोटी रेखा कहते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।